नेक्स्ट क्वेश्चन दो ग्यारह का सवाल है क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन्स यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सोलेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 फाइव किलो वोल्ट इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू हंड्रेड किलो वोल्ड देन द डीपली वेलवेंद एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड ऑप्शन है इंक्रीज बाय टू टाइम डिक्रीज बाय टू टाइम डिक्रीज बाय फोर टाइम इंक्रीज बाय फोर टाइम ना बहुत ही सिंपल सवाल है डायरेक्ट uh, यहां पे हम फॉमूले का यूज़ कर सकते हैं और फिर चेक करेंगे ये बात हमें पता है कि uh, जो आपका लैमडा होता है उसको लिखते हैं हम 150 डिवाइडेड बाई अंडर उट वी या फिर उसको आप लिखते हैं डिवाइडेड बाय अंडर उट वी न यहाँ पे जो हम लेमडा को कंपेयर कर रहे हैं तो हम कहें अगर कहें लेमडा टू डिवाइड बाय लैमडा वन विल बी इक्वल टू आपका क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सो दिस विल बी इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाय वी टू वी वन जो है वो अपने को दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव किलो वोल्ट सो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी पावर थ्री और उसको बाद में हमने बढ़ा दिया हंड्रेड इंटू ट्वेंटी पावर थ्री हंड्रेड किलो वोल्ट कर दिया सो so, आपका लेमडा टू डिवाइड बाई लेमडा वन उसकी वैल्यू आ गई uh, यह बनेगा आपका हाँ वन बाय फोर उसका अंडर रूट करेंगे तो ये वन बाय टू आ जाएगा विच एम्प्लाईज़ लैमडा टू जो है वो हो गया लैमडा वन बाय टू यानी कि आपके नई लेमडा जो है वो हाफ हो गई सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज बाय टू टाइम्स वुड बी द राइट आंसर